अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल और Facebook पेज जीके फार्मिंग तो खुश आमदीद कहने। असी अज अपने फील्ड विच मौजूद हैं। सब तो पहले असी जिक्र करांगे ऑर्बिट सीड कंपनी का, जिन्होंने सानू बहुत ही अच्छा सीड दिता, जिंदी वजह तो अज असी इस पोजिशन खड़े हैं कि माशाल्लाह यह रकबा कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि जिन्होंने कहा जाए कि यह रकबा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आला है। लेकिन कोशिश की, मैनेजमेंट करने की कोशिश की, मेरे देख सकते हो तुम यही कपड़े पाए हो, तुम्हें ज़्यादा वीडियो के नज़र आएंगे, क्योंकि यह जो कपड़े ने मैं एक दो कपड़िया के सूट जो सिर्फ स्प्रे वास्ते ही रखे हैं, जिन्हों मैं सिर्फ स्प्रे ही करना। फिलहाल तक इतने एक ही स्प्रे असी की ग्लाइफोसेट की, लेकिन दूसरिया जगह पर जितने दूसरी स्प्रे हो चुकी, पानी लगाने बाद इंशाल्लाह दूसरी स्प्रे भी करा। माशाल्लाह तुहानू पौधे दिखाइए तो माशाल्लाह दिल देख के खुश हो जाता है। कोई स्प्रे भी इन ज़्यादा नहीं की गई, कोई मतलब है कि कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं ने। और माशाल्लाह पौधे तुहानू दिखाइए, फल देखो, तमाम पौधे नहीं है जी। एक पौधा कोई असी पकड़ांगे तो उन्हें तो टेंडा लग्या होएगा तो असी कहांगे यार भी आ साडा मतलब है कि बड़ा ही आला बीज है। सारे पौधे असी अपना प्लाट दिखावांगे सारा, कि जितनी को अच्छी मैनेजमेंट कर सकता सा मैं उन्नी क ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, और यह मेरी मेहनत का नतीजा है। और अल्लाह तला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने। और भाईजान वरायटी की गल करिए, वरायटी जी है एफ एच 333 है, और खसूसी तावन हाफ जुबैर साहब ऑर्बिट सीड वाले की तावन वरायटी मैं लेके आया सी, और इतने काश्त की है कॉटन। और अलहमदुल्ला मेरी अपनी जिंदगी दे 25 साल मेरी एज हो चुकी है तो मैं इतनी इन्नी अच्छी कॉटन नहीं देखी, इन्ना अच्छा फ्रूटिंग नहीं देखी जितनी अच्छी माशाल्लाह इस दफा हो रही है फिलहाल तक, कोटी नहीं की। सब तो अहम सवाल जरा उ यार इतने किस तरीके मुमकिन है इतनी अच्छी कॉटन, क्योंकि कॉटन के इतने घा जरा उत्ते चढ़ जाता से, बाद कद उस नुक्कर च खड़े होंगे सी, कदे उस नुक्कर च खड़े होंगे सी, सारे मतलब है कि कोई मतलब एक मैं कला जना जिम्मेदारा कर रहा, तो मेरे नाल होर भी नहीं सी हैल्प करने वाला बंदा भी है, भी मैं हैल्प कर दिया। इतने जी लेबर है, लेबर भी नहीं मिलती, बहुत कम लेबर मिलती है, लेबर के बड़े इशूज ने। और इंशाल्लाह देखो तुम, मैं इंशाल्लाह यही सोचा कि यार ना अपने तब्दीली लैके आनी है, इस वजह तो मैं सारा ही जरा ग्लाइफोसेट फ्री बीज लैके आया हाफ साहब। और अलहमदुल्ला मैं ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया, स्प्रे किया तो सारे ने कहा यार ये तू मतलब कि बीज जरा लैके आ गए हैं तो फाल ही नहीं लेंदा यार, इनू तो बीमारी उन्होंने कहा पैंती ही बहुत ज़्यादा है, बीमारी इन्हों का सिर ही लै जाती उन्होंने कहा। लेकिन अलहमदुल्ला देखो मैं एक स्प्रे किया थ्रिक्स और सबज तिले का, सिर्फ एक स्प्रे किया, बाकी हालत देख लो तुम, और कोई बहुत आला किले भी नहीं ने, तुम पहले भी दस जमीन भी कोई बहुत आला नहीं है, नॉर्मल जी जमीन है। जे अच्छे किले ने इंशाला तुम्हें दिखावगा उन्होंने भी फ्रूटिंग, लेकिन अज की जी वीडियो से वो थोड़े जे रेतले रकबे के हवाले वीडियो से, तो माशाल्लाह फ्रूटिंग तुम्हें दिखाई है, इधर वेखो जबरदस्त है। और एंड ते आ वीडियो का अख्तताम करते हुए हाफस जुबैर साहब का बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करने कि जिन्होंने सानू इस काबिल किया कि अज असी खड़े होकर तुहाडे नाल मुखातब हो रहे हैं, तुहाडे नाल गल्लां कर रहे हैं, तुहानू असी अपनियां ऑर्बिट सीड वाले तावन नाल बीज मुख्तलिफ दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ वरायटियां दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ां दिखा रहे हैं।